बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। कैबिनेट विस्तार में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, वहीं मनसुख मंडविया, हरदीप सिंह पुरी का बढ़ेगा कद। शाम 6 बजे कई मंत्री शपथ लेंगे। जातीय समीकरण ध्यान में रखकर ये विस्तार किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट विस्तार में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू और मनसुख मंडविया, हरदीप सिंह पुरी का कद जो है वो बढ़ेगा। शाम 6 बजे कई मंत्री शपथ लेंगे। वही जातीय समीकरण ध्यान में रखकर ये विस्तार किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट विस्तार में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू और मनसुख मंडविया, हरदीप सिंह पुरी का कद बढ़ने वाला है। यहाँ शाम 6 बजे कई मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं जाति समीकरण ध्यान में रखकर ये विस्तार किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शहबाज, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है जिस तरह से मोदी कैबिनेट विस्तार में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। बताना चाहूंगा प्रिया आपको कि जिस तरह से मोदी 2.0 का विस्तार हो रहा है और जिस तरह से लगातार नए चेहरों की जो एंट्री हो रही है, और साथ ही साथ जो पुराने इनके भरोसेमंद कह लीजिए पुराने सिपे सलार के तौर पर लगातार भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, तो जितने भी नेता जो भरोसेमंद है, जो जिनको जेपी नड्डा द्वारा जो कल एक मीटिंग भी हुई थी, आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कल एक मीटिंग हुई थी और जिस उस सूत्रों के हवाले से ये खबर आई थी कि इस मीटिंग में उन नामों की चर्चा की गई थी जो अपने शहर में, अपने क्षेत्र में और अपने अपने अपनी अपनी जगह पर एक्टिव रहे हैं। और मोदी खास तौर, आपको ये भी बताना चाहूंगा, खास तौर पर मोदी उन नेताओं से नाराज थे जो दूसरी लहर में काफी जिनका कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी जाहिर थी। और काफी दिनों से जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो काफी दिनों से अधर में अटका हुआ था, चाहे वो कोरोना कह लीजिए या कोई अन्य कारण जो भी हो। अब लेकिन आखिरकार जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने जा रहा है, आज शाम 6 बजे करीब 40 से ज्यादा नए मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे, और कई मंत्रियों का लगातार ये जो दौर है वो शुरू हो गया है इस्तीफा देने का, क्योंकि कई लोगों से मंत्री पद की जो कुर्सी है वो भी छिन रही है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुख्य कारण इसका ये चुनाव में भी है। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, उसके बाद उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है, तो और गोवा समेत ये 5 राज्य हैं करीब जहां चुनाव होने हैं। तो बीजेपी भी चाहती है कि चुनाव से पहले जो उसकी टीम है वो दुरुस्त हो, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव से पहले एक थोड़ा सा झटका जो उसको बीजेपी को देखने को मिला था, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो दुरुस्त करना चाहेगी, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में जो छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की धूमिल हुई, उसको कहीं ना कहीं जो है बीजेपी कोशिश कर रही है उन लोगों से ऐसे मंत्रिमंडल छीन रही है जिन्होंने कोई काम नहीं किया। जी, मोदी कैबिनेट विस्तार में यूपी पर भी खास नजर है, और सूत्रों के हवाले से लगातार एक भी खबर सामने आ रही है कि 3 से 4 मंत्री यूपी से भी बनाए जा सकते हैं, जिसमें अनुप्रिया पटेल, प्रवीण निषाद और रीता बहुगुणा जोशी के नामों की भी जो चर्चा है वो काफी तेज हो गई है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जैसा कि आपको मैंने बताया कि अभी उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और ये सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ी विधानसभा है पूरे देश की, और इस विधानसभा इलेक्शन पे बीजेपी नहीं बल्कि पूरी पार्टी, जितने भी देश की बड़ी सी बड़ी पार्टियां हैं और दिग्गज नेताओं की जो नजरें होती हैं वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पे अटकी हुई होती हैं, और सबका ध्यान उत्तर प्रदेश के चुनाव के इलेक्शन पे रहता है और उसके बाद उसके क्या परिणाम आएंगे इसके लिए भी पार्टी द्वारा पूरी लगातार मेहनत की जाती है। और जिसको देखते हुए बीजेपी ने भी अपनी से अभी से ही कमर कस ली है, चाहे वो भी हाल ही में कुछ दिन पहले बीएल संतोष जो प्रभारी बनाए गए हैं, राधा मोहन है, इन लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है उन्होंने आके यहाँ के हाल जाने थे, क्योंकि जिस तरह से गुफ्तगू जो इन लोगों के बीच में चल रही थी कि हो सकता है कोई बहुत बड़ा फेरबदल योगी की कैबिनेट में हो सकता है या योगी से ये छिन सकता है, लेकिन इससे उलट बीजेपी जिन चीजों के लिए जानी जाती है, क्योंकि जो मीडिया में सुर्खियों में बना होता है उससे अलग, उससे इतर जो है वो बीजेपी
पार्टी हमेशा काम करती है और अपने फैसलों से जो है हमेशा वो चौंकाती रहती है। और जिन पांच चार नामों की आप चर्चा कर रही हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, निषाद प्रवीण निषाद हैं, और आपको बताना चाहूंगा ये सांसद कौशल किशोर हैं, उनका भी इनके भी नाम पे मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद से जो यहाँ सांसद रह चुकी, और ये सब जो तमाम मंत्री विधायक हैं इनको जो जगह दी जा रही है वो लगातार आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये यूपी के विधानसभा जो इलेक्शन है उसको देखते हुए उसकी सारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए उसको देखते हुए ये जो विस्तार हो रहा है ये विस्तार किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग और जो पिछला वर्ग का एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक बहुत बड़ी लॉबी है इसके पीछे और बहुत बड़े वोटर्स हैं। करीब आपको अगर बताना चाहूँ तो 20% वोट जो हैं वो पिछले वर्ग के हैं, इसलिए जो जाति संतुलन है की बात की जा रही है लगातार कि जाति संतुलन को जो बनाकर जो विस्तार किया जा रहा है तो उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, क्योंकि आज से नहीं बल्कि पीढ़ियां दर पीढ़ी जब भी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं तो पिछड़ा वर्ग और ये जो जाति है इसके जो वोटर्स होते हैं इन पर सभी पार्टियों की नजर होती है, और पिछले कुछ चुनावों से बीजेपी जो है वो बसपा से उसके जो मेन वोट बैंक जिनके आधार पर मायावती की राजनीति जिंदा थी वो छीन चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो मायावती को भी जो नुकसान हुआ है वो बीजेपी की तरफ से हुआ है, और बीजेपी ने जो विश्वास अपना पिछली जातियों में बना रखा है तो बीजेपी भी चाहती है कि हमारा वो विश्वास अभी भी बना रहे, क्योंकि अभी आगामी विधानसभा चुनाव है, उसके बाद फिर 2024 में सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा का भी चुनाव होने हैं, तो ऐसे में जो पिछली जातियों को साधने वाले जितने भी नेता हैं राजनेता हैं उनको जो कद है वो बढ़ाया जा रहा है और लगातार ऐसे लोगों से कुर्सी छिन रही है जिनका जो न्यूट्रल है, जो काफी न्यूट्रल है, जिन्होंने अपने विभाग में कोई तेजी नहीं दिखाई और काफी काफी दिनों से गायब रहे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी अब कार्रवाई भी कर रही है। जी शहबाज, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल से डॉक्टर हर्षवर्धन की छुट्टी, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले की ये बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, कई मंत्री पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और इसी बीच ये बड़ी खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से डॉक्टर हर्षवर्धन की छुट्टी हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले की ये बड़ी खबर सामने है, कई मंत्री पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल से डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस्तीफा दे चुके हैं, तो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये सामने आ रही है। और इसी खबर पर एक बार फिर हमारे सहयोगी शहबाज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो शहबाज जी क्या कुछ कहना है जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल से डॉक्टर हर्षवर्धन की छुट्टी का जो ये खबर सामने आ रही है, क्या कुछ कहना है आपका? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आपको मैंने पहले बताया था कि बीजेपी जो है वो हमेशा अपने फैसलों के लिए ही जानी जाती है, और एक बार फिर जिस तरीके के फैसले लगातार मंत्रिमंडल विस्तार से पहले वो लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाले फैसले हैं, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन की अगर बात की जाए तो बतौर स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने देश के लिए काफी अच्छा काम भी किया, लेकिन जिस तरह से उनका पद छीन लिया गया तो ये काफी हैरान और आश्चर्यचकित कर देने वाला फैसला है। हालांकि और जो मंत्री हैं और जिनका पद छीना गया है तो वो बातें कहीं ना कहीं समझ में आती है, लेकिन इस तरह के डॉक्टर हर्षवर्धन से अचानक इस्तीफे की मांग कर दी गई और इस्तीफे की पेशकश कर दी गई, हालांकि भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन इस तरह से उनके इस्तीफे की पेशकश की जाती है और वो इस्तीफा दे देते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने जा रहा है ये आपको बताना चाहूंगा, तो इस पे करीब दो दिन पहले से ही जो कई मंत्रियों का जो दिल्ली जाने का जो सिलसिला था वो जारी हो गया था, कई लोग दिल्ली कल ही पहुंच गए थे, कई आज पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार के तौर से पहले ये जो खबरें आ रही हैं, चाहे वो निशंक पोखरियाल की हो, उनसे भी विभाग छीनने का डर है, उनसे विभाग छीन लिया गया है, और उसके बाद अब डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे की बात कर लीजिए, चाहे वो केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की बात कर लीजिए, तो जिन लोगों ने अपने अपने स्तर पर सही ढंग से सही तरीके से काम नहीं किया, या यूं कह लीजिए बीजेपी को जहां लग रहा है कि वो अपने नए चेहरों को मौका देना चाहती है, या यूं कहें जातीय संतुलन के आधार पर अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहती है, तो धीरे धीरे जो बीजेपी है वो अपने पुराने तरीके से पुराने अपने अपने फैसलों के लिए जिन फैसलों के लिए वो जानी जाती है उस तरीके से वो लगातार काम कर रही है। बिल्कुल, अगर शहबाज जी बड़ी वजह देखी जाए अगर इसके पीछे की तो क्या लगता है, क्या ऐसी बड़ी वजह है जो इस्तीफा देना पड़ा इतने बड़े पद से?
बताना चाहूंगा आपको कि जब बीजेपी कोई भी फैसला लेती है तो आपने देखा ही होगा कि पूरा बल्कि हर कोई जानता है, बल्कि पूरा देश ये बात जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो एक बार फैसला लेते हैं तो वो आखिर में आके बस खाली उस फैसले को सुना देते हैं, वो राय मशवरा ज्यादा नहीं करते। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार की अगर बात की जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनकी जेपी नड्डा से काफी घंटों कल चर्चा चली थी कि किन लोगों को इस्तीफा चाहिए और किन लोगों को कद बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीजें काम का आधार रख के ये चीज ली गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन की जहां तक बात करी जाए तो दूसरी लहर पे कहीं ना कहीं जब उन पर सवाल खड़े होने लगे थे कि आखिर इतनी बड़ी लहर है और देश के स्वास्थ्य मंत्री आखिर कहाँ है, इनके ये विपक्ष भी हमलावर था, इनके ऊपर लगातार सवाल कर रहा था और कहीं ना कहीं रामदेव का सपोर्ट करने पर कहीं ना कहीं कई चीजें हैं जिनकी वजह से हो सकता है ये माना जा रहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दिया है, क्योंकि दूसरी लहर पर स्वास्थ्य मंत्री हर तरीके से नदारद दिखाई दिए थे, जिस वजह से ये हो सकता है क्योंकि जिनकी अनुपस्थिति दूसरी लहर में रही है उनके खिलाफ जो है मोदी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार उन्होंने उससे पहले भी उन्होंने यही कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर में जितने भी प्रत्याशी कह लीजिए या जितने भी नेता है बीजेपी जुड़े या जितने मंत्री विधायक जितने भी लोग हैं जिन्होंने काम नहीं किया है उनके ऊपर गाज गिरना ये तय माना जा रहा था, और जिसका जीता जागता उदाहरण आप लोग के सामने सबके सामने है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बहुत बहुत शहबाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं जहां पर कई मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और ऐसे में बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से डॉक्टर हर्षवर्धन अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है मंत्रिमंडल विस्तार से पहले की ये बड़ी खबर सामने आ रही है।